चलो फिर घर से रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ, और घर से अभी कनेक्ट हो रहा हूँ। कितने लोग हैं? स्टॉकराज, रमेश, विशाल, चंदन, राजेश और तेजल, कोई तो गायब हो गया एक। ठीक है, कोई बात नहीं, जितने आए उतने मेरे बंदे। सी ट्रेडिंग स्टाइल, पहले तो मैं 5 मिनट से टाइम लेता हूँ आपको बताने का अपनी समझ। तो ट्रेडिंग स्टाइल बहुत सारा है, जो राजेश रमेश ने दिया हुआ है कि जिगजैग डाइवर्जेंस है, हायर हाई लोअर लो मिलता है, और कुछ कुछ निकाला हुआ है हार्मोनिक्स पैटर्न्स। हार्मोनिक्स ने किसी किसी को पैसा दिया है, किसी को मिला है नहीं है, किसी का गया हुआ है। तो ये बहुत सारे लोगों को एक परसेप्शन है। तो क्या करना चाहिए? हार्मोनिक्स टाइम देता है पैसा कमाने के, मगर जो लोग इंट्राडे में करते हैं, इंट्राडे में क्या करना चाहिए? तो इंट्राडे में क्या करने के लिए, अगर किसी पर एक परफेक्शन में आपने रखा हुआ है कि आपने सोचा है कि आपको यहाँ तक का ट्रेड मिलना चाहिए। इमीडिएट ट्रेड नहीं लेना है, इमीडिएट ट्रेड नहीं लेना है आपको, ट्रेड लेना है मगर कुछ टाइम के बाद लेना है, तो उसके बाद आपको लगता है कि पैसा मिलने वाला है। तो मैंने सिर्फ 3 चीजें ढूंढ के निकाली है जो इंट्राडे में, ये आज का जो सेशन है ना, अभी मोस्टली जो लोग है वो सब इंट्राडे के लिए ज्यादातर ट्राई करते हैं कि इंट्राडे में क्या करना चाहिए। तो मैंने ये जो सेशन रखा है ये इंट्राडे के लिए रखा है, और ये जो भी पैटर्न्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डीए में जो है, डीए में डेली मूविंग एवरेज नहीं तो डिस्प्लेस मूविंग एवरेज, और ये है अपना नेल लॉजी। इसका पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगा कि नेल डॉजी कैसे रहते हैं। मनी फ्लो ब्रेकआउट, ये परफेक्ट है। मनी फ्लो ब्रेकआउट अभी पिछले 3 4 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तो मनी फ्लो ब्रेकआउट बहुत अच्छा खासा हमें एक रिटर्न्स देने की, मतलब एक अच्छा पैटर्न, एक ट्रेंड हमें मिलता है यहाँ से, मनी फ्लो ब्रेकआउट से। मतलब बहुत सारे लोग किसमें ट्रेड करते हैं, पैटर्न ब्रेकआउट में करते हैं। और मैंने जब मनी फ्लो आरएसआई जब सिखाया था तभी बताया भी था कि भाई जब भी ट्रेड लेना है तो क्या करना है, ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट होगा तभी ब्रेकआउट एंट्री करना है। मगर एक थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ऐसा समझ में आया कि आरएसआई पे ब्रेकआउट हुआ, आरएसआई पर ब्रेकआउट हुआ, मनी फ्लो पे ब्रेकआउट हुआ, तो एक ट्रेंड अच्छा मिलता है। क्योंकि मनी फ्लो थोड़ा रिजिड है, रिजिड है मतलब धीरे धीरे हिलता है। मैंने बताया था ना, लोग ज्यादा मूव नहीं करता है, जब तक कोई पैसा नहीं डालेगा स्टॉक में तब तक हिलेगा नहीं, ये संगीत होता ना तुम्हारा, राइट तो यही है वो तेज, त्याच्यामध्ये तेज चालणार है, बाकी काही चालणार नाही। आता करायचं काय आहे तर पहिले मी तुम्हाला नेल डॉजी सांगतो। नेल डॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, नेल डॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हँगिंग मॅन, इन्वर्टेड हॅमर, हॅमर एंड ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, ये कैंडल्स इंट्राडे में बनते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, शूटिंग स्टार, हैंग मैन, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ग्रेवस्टोन एंड ड्रैगन फ्लाई, ये कॉम्बिनेशन बन के आता है। ये कॉम्बिनेशन हम लोग देखने वाले हैं, और उसका कोड शायद मैंने भेजा हुआ भी है आपको, हाँ भेजा है भेजा हुआ है। सर। ये यस बनाते एक कोड है, उसके बाद में और आरएनडी किया हुआ है कि एक नेल डॉजी के बाद दूसरा नेल डॉजी, एक डॉजी बनेगा दूसरा, थोड़ा और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद एक भी मालूम पड़ा है कि एक हैमर बनने के बाद एक दिन का गैप रहेगा और तीसरे दिन बनेगा इन्वर्टेड हैमर। तो वो कोड भी मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको, आप लोग को भेजने वाला हूँ वो कोड, कि उससे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो एफएनओ स्टॉक्स है या तो फिर अपने जो डेली के स्टॉक्स उनको अगर आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा जो है डीएमए, डिस्प्लेस्ड मूविंग एवरेज, बहुत सारा आइडेंटिफिकेशन करने के बाद मालूम पड़ा है कि 8 मूविंग एवरेज तो मोमेंटम लाइन है, 8 सिंपल मूविंग एवरेज तो मोमेंटम लाइन है, गोज विद द प्राइस, और जब प्राइस नीचे जाएगा और 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग ऊपर जाएगा तो हम लोग समझते हैं कि ट्रेंड बेरिश हुआ। अगर ये जो 15 मूविंग एवरेज है, 15 मूविंग एवरेज डिस्प्लेस्ड 15 मूविंग एवरेज, मतलब प्राइस से 15 पॉइंट नीचे ही रहता है, उसको डिस्प्लेस किया हुआ है, मतलब जैसे डिसलोकेट रहता है वैसे डिस्प्लेस किया है, वो जो 15 मूविंग एवरेज जो साथ में रहना चाहिए उसको 15 माइनस किया हुआ है, लोवेस्ट पॉइंट से 15 पॉइंट्स नीचे।
ओके कोड अगर आप देखेंगे, एक्चुअली कोड तो मैंने हाइड किया हुआ है, कोड किसी को मिलता नहीं है इसका, कोड मैंने हाइड किया हुआ है। तो कोड में ऐसे ही है कि ये डिस्प्लेस्ड है, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस नहीं तो उसके लोवेस्ट प्राइस से 15 पॉइंट्स, 15 कैलकुलेटेड मूविंग एवरेजेस को प्राइस नीचे रखता है और एग्जैक्टली वही पे प्राइस बाउंस होके फिर से ऊपर जाता है। अभी ये 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ डिस्प्लेस मूविंग एवरेज पे, थोड़ा आयरन कर रहा हूँ, तो डिस्प्लेस मूविंग एवरेज मुझे एक अच्छा खासा ट्रेंड दे रहा है। और दूसरा है, अभी मैंने मनी फ्लो ब्रेकआउट आपको बताया, टीए में आपको मैं बता रहा था, और नेल लॉजिक, नेल लॉजिक का मैंने आपको बता दिया कि 6 कैंडल्स बनते हैं डीए में, 15 परफेक्ट, 15 कैंडल्स या 15 डेज का कैलकुलेशन जो बॉटम पे होता है, 8 एक्सपोनेंशियल, 8 मूविंग एवरेज मोमेंटम का काम करता है, ये सपोर्ट प्लस मोमेंटम का काम करता है। मतलब अगर प्राइस ओके गिरेगा तो बाउंस कहाँ पे होगा, सपोर्ट पे 15 डीएमए पे होगा। तो इसका मैंने कोड बनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों को भेजने वाला हूँ, जिसके पास मेटा स्टॉक है उसको मिल जाएगा। और मनी फ्लो ब्रेकआउट, इसका कोड कोई बनता नहीं है, बहुत ट्राई किया है, पिछले 3-4 महीने से ट्राई हो रहा है कि कोई डीएमए मनी फ्लो ब्रेकआउट पे कोई कोड बनेगा तो मैं उसको आप लोग के लिए भेजूंगा, मगर वो नहीं बन रहा है। मगर जो लोग इंट्राडे में करते हैं, जो लोग इंट्राडे में करते हैं, इंट्राडे के लिए अगर उनको ये यूज करना है तो मनी फ्लो ब्रेकआउट क्यों, व्हाई नॉट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, आप लोग पूछेंगे बराबर ना, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्यों नहीं। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में आप लोग को इसके लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट गिव्स यू दी ब्रेकआउट्स वेरी लेट, आपको थोड़ा लेट देता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, मगर मनी फ्लो ब्रेकआउट जो है आपको कुछ 5 से 6 कैंडल पहले ही आपको हिंट मिल जाता है कि ब्रेकआउट हो चुका है मनी फ्लो पे, क्योंकि मनी फ्लो कम्स विद द वॉल्यूम, मतलब जितना कोई स्टॉक बाय करेगा तभी मनी फ्लो बढ़ेगा, अदरवाइज मनी फ्लो बढ़ेगा क्या। नहीं बढ़ेगा, पैसा एक डाले तो भी नंबर इज बढ़ेगा। पुटिंग देयर मनी, अगर कोई अपने पैसे स्टॉक में डाल रहा है तभी तो जाके वो स्टॉक बढ़ेगा ना, राइट तो राइट उसको ऊपर आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ब्रेकआउट पे जाने के लिए, उसको रेसिस्टेंस पे जाने के लिए 6 से 7 दिन लगते हैं, मगर मनी फ्लो क्या करता है, मनी फ्लो इमेजिएटली काम करना शुरू करता है। तो जब भी अभी आप लोग अगर ओके इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, अभी तेजल सिर्फ एक एक्टिव ट्रेडर लग रही है मुझे, अभी बात बीच में कोई आया था वो वापस गायब हो गया, पता नहीं कौन था। मनी फ्लो गिव्स यू दी ब्रेकआउट वे बिफोर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पहले आपको मनी फ्लो ब्रेकआउट होगा। तो अभी मैंने एक अलग काम शुरू कर दिया है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हमें देखना नहीं है स्टॉक को, हमें क्या करना है मनी फ्लो का इंडिकेटर ऐड करके रखना है, मनी फ्लो का इंडिकेटर ऐड करके रखो और वेट करो एक चीज का, प्राइस मेक्स 3 टॉप्स 3 बॉटम्स, सेम टाइम मनी फ्लो भी यही करेगा, 3 टॉप्स 3 बॉटम्स देगा, और जब वो डाइवर्जेंस देगा तब प्राइस एक बार नीचे जाके आएगी और मनी फ्लो ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट होगा, सुनो, ब्रेकआउट होगा मनी फ्लो पे, प्राइस नीचे जाएगा, दैट मींस प्राइस मेकिंग लोअर लो एंड मनी फ्लो मेकिंग हायर लोज, तो वहां पे हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है वे बिफोर प्राइस। तो हमें करना क्या है, मनी फ्लो ब्रेकआउट पे हमें काम करना है, प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा, मनी फ्लो ब्रेकआउट के बाद भी प्राइस नीचे जाएगा क्योंकि वहां पे डाइवर्जेंस बनेगा, और जब डाइवर्जेंस बनेगा वहां से ही प्राइस का एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मनी फ्लो पे क्या आया है, ब्रेकआउट आया, और मनी फ्लो ने क्या दिया हुआ, ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है कि इन्वेस्टर्स आर ऑलरेडी एंटर्ड, वो लोग आ चुके हैं, अभी सिर्फ करना क्या है, इन्वेस्ट करना है, पैटर्न का टारगेट निकालना है, वंस द प्राइस रीचेस टू द टारगेट दैट्स इट, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ये समझ में आप लोगों को। पहले हम लोग पैटर्न पे ट्रेंड लाइन प्राइस लाइन के ऊपर हम लोग निकाल देते ब्रेकआउट, राइट तेजल, बरोबर कि नहीं, राइट हाँ सर आता तसं नाही करायचं, मनी फ्लो वरती काढायचं, मनी फ्लो एकदा वर गेला का प्राइस एकदा खाली जाईल, मग प्राइस थोडी खाली गेली की मग बाइंग करायची, मनी फ्लो वर ब्रेकआउट येणार लक्षात घ्या, मनी फ्लो जर असा चाललाय, असा ब्रेकआउट देतोय, हा बाहेर गेला, हा मनी फ्लोचा ब्रेकआउट आहे, आणि प्राइस पण जर समजा अशी खाली येते आणि मनी फ्लो ने इथे ब्रेकआउट दिलाय, प्राइस परत खाली गेले, याचा अर्थ काय झाला, इथे एमएफआयचा ब्रेकआउट आहे,
आणि इथे प्राइस प्राइस काय करते, प्राइस मेकिंग लोअर लोअर लो। तो यहां पे हमें हिंट मिला है कि द प्राइस हैज मेड डाइवर्जेंस प्लस एमएफआई ब्रेकआउट, डाइवर्जेंस प्लस एमएफआई ब्रेकआउट। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि एमएफआई ब्रेकआउट होगा, प्राइस विल गो डाउन फॉर सम टाइम, वी विल बाय नियर द सपोर्ट सपोर्ट ऑफ द ट्रेंड लाइन, हम लोग यहां पे बाय करेंगे और द प्राइस विल गो, देन प्राइस विल गो अप। तो ब्रेकआउट यहां पे हुआ है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये पांचवे जगह पे ब्रेकआउट हो रहा है प्राइस का, और मनी फ्लो का फोर्थ जगह पे हो रहा है। सो इट इज हिंट, इट इज एन हिंट फॉर इन्वेस्टर्स, जिसको लगता है कि भाई यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, मीटिंग उठेगी, मीटिंग उठेगी, हम लोग एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को, स्क्रीन पे मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, वो पीडीएफ में जो जो लोग अभी अवेलेबल है उनको मैं शेयर कर देता हूँ, नाम मुझे सिर्फ याद रखने दो, क्योंकि बहुत लोग बिना क्लास अटेंड किए डायरेक्टली वो लोग चाहते हैं कि उनको फाइल मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है, मैं फाइल देने वाला नहीं हूँ उन लोगों को, फाइल उन लोग को ऐसा मिलेगा नहीं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को, सी टुडेज टॉपिक में मैंने 9/4 का अप्रैल 23 इसमें टॉपिक लिखा हुआ है नेल डॉजी डीएमए 15S, याद रखना है 15S का मतलब है 15 सिंपल मूविंग एवरेज मनी फ्लो ब्रेकआउट। ओके टॉपिक है नेल डॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ, सर आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली, बच्चा रो रहा है भाई, आपके इधर ही कोई रो रहा है, किरण किरण सर के मैम, नहीं किरण ने कर दिया म्यूट कर दिया, चलो नेल डॉजी, नेल डॉजी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, छोटा सा प्रेजेंटेशन है, देखो ये नेल दिख रहा है आपको, नेल मतलब कीड़े, ये किला दिख रहा है आपको, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, देखो दिख रहा है ये नेल्स, थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये नेल्स दिख रहा है आपको, यस हाँ, सेम टाइम सेम नेल्स यहाँ पे बना हुआ है, दिख रहा है आपको, एक यहाँ पे बना है, एक ये उल्टा है और एक सीधा है, और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी बना हुआ है, और नेल डॉजी का मैंने आप लोगों को पहले भी सिर्फ एक हिंट दिया था, मैं बोला था कि मैंने आपको वीडियो बनाऊंगा, मगर वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, और मुझे शेयर करना था राजेश रमेश और जो भी मेरे स्टूडेंट्स है जो रेगुलरली मेरे कांटेक्ट में है, भले ही दो चार दिन के बाद भी हो वो लोग बात करते हैं एटलीस्ट, तो मुझे उन लोग के साथ शेयर करना था, इसके वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ आज का वीडियो, कि नेल डॉजी इट इज कम्प्लीटली अ ब्रेक थ्रू है हमें इंट्राडे और डेली ट्रेड करने के लिए, इसके सारे कोड्स जिसके जिसके पास मेटा स्टॉक है उसको मिलेगा, स्टॉक्स में भी मिलेगा, एफएनओ के स्टॉक्स में भी मिलेगा, परफेक्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ, याद रखना है लिख के रखो बुक में, फिर भी मैंने वहां पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ शूटिंग स्टार, हैंगमैन, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ग्रेवस्टोन डॉजी एंड ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ये चार कैंडल्स आपको इंट्राडे में भी बनेंगे, डेली में भी बनेंगे, और मैं तो अभी डेली का मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो सेम कैंडल्स यहाँ पे बने, देखो यही कैंडल्स यहाँ पे बने हुए हैं, और सिस्टम ने नेल डॉजी 1, 2, 3 और नेल डॉजी जो है वो इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है मुझे, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, और एक उसका एक बात है कि नेल डॉजी जो है अगर आप काउंट करते हैं नेल डॉजी का, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि इफ द नेल डॉजी अकर्स ऑन द चार्ट तो नेल डॉजी कम से कम 6 कैंडल्स ऊपर जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ ब्रेकआउट, 6 कैंडल्स ऊपर कैसे जाएगा एक टाइम पे बताओ मुझे, 6 कैंडल्स वन अटेम्प्ट में ऊपर जाते हैं क्या विदाउट ब्रेकआउट,
इट कुड इट्स नॉट बी ओनली, आप काउंट इन करो इंटर, मैक्सिमम फोर तो जाते ही जाते हैं, मैक्सिमम एक दो फोर तो तीन चार। जाते ही जाते हैं। ये तो मैंने एक की स्क्रीन यहाँ पे शेयर किया हुआ है, मैं आगे आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, और क्लास एक्सटेंड करने वाला नहीं हूं मैं वीडियो। ये देखो नेल डॉजी यहाँ पे बना हुआ है, दिख रहा है आपको हाँ यस, क्या दिख रहा है इसमें? इट शोज द अरे क्या प्राइस गोन क्या दिख रहा है अप, राजेश, रमेश क्या बोल रहे हो? इट शोज दैट द प्राइस इज ऑलरेडी रीच्ड इट्स टॉप, इट विल नाउ द बेरिश कैंडल इज गोइंग टू फॉर्म बेस्ड ऑन दैट शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर इट हैज हैपेंड ऑन द टॉप। यस, और जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हेन द प्राइस मेक्स, ये जब राउंडिंग शेप मैंने बताया था, एंकर कैंडल बताया था मैंने, एंकर कैंडल याद है क्या आप लोगों को? राउंडिंग शेप में भी एंकर कैंडल बनता है, तो ये एंकर कैंडल का एक फॉर्मेशन है। एंकर कैंडल में एक लोअर विक एलएलडी बनता है, मगर ये कैंडल एक सारा देखने के बाद आई कम टू नो कि भाई यहाँ पे कुछ तो अलग है, कि ये फॉर्मेशन बनने के बाद बहुत बार प्राइसेस चेंज हो रहा है। कोड भी बन गया है इसके ऊपर, स्टॉक्स भी हमें आइडेंटिफाई करने को मिल रहा है, और साथ में एंट्री और एग्जिट और टारगेट और 6 कैंडल्स तो गारंटीड, एटलीस्ट 6 कैंडल्स आप लोगों को उसमें मिल ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे जाता हूँ, और अभी यहाँ पे भी बना हुआ है नेल डॉजी, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 वाला है, 1 2 3 मतलब एक दिन के बाद एक दिन का गैप है, दूसरे दिन गैप है, और तीसरे दिन में ये नेल डॉजी बना हुआ है कॉम्बिनेशन। तो कोड आइडियली बनाने इट के लिए बहुत हैपेंस टाइम दैट वे। लगता है, कोड बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है चलो, अभी इसमें देखते हैं, ये अपना DMA 15 फॉर सपोर्ट, ये आपके ट्रेडिंग व्यू पर भी अवेलेबल है। ये जो एक एक्सप्लोरर मैंने बनाया हुआ है, ये एक्सप्लोरर में मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, नेल डॉजिस के साथ में मैंने DMA 15 का लाइन भी ऐड किया हुआ है। सो एटलीस्ट यू पीपल कैन गेट द वेयर द प्राइस इज एग्जैक्टली गेटिंग सपोर्ट। यहाँ पे देखो सपोर्ट है, एग्जैक्ट सपोर्ट है, यस, प्राइस टेकर सपोर्ट, 15 DMA के थोड़ा नीचे है, कंसल्टेशन हुआ, देन इट शूटेड अप। नीचे गया प्राइस, ये सपोर्ट लिया है यहाँ पे, और प्राइस इज एग्जैक्टली गोइंग अप, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस नीचे गया, तो ये फाइंड आउट है। इंट्राडे में भी मिलेगा आपको, इंट्राडे में भी मिलेगा। अभी इसको देखो, ये एक चार्ट है, एक पैटर्न है, ये कौन सा, ये मनी फ्लो का है नहीं, ये नेल डॉजी का ही है, नेल डॉजी प्लस ये 15 DMA। देखो 15 DMA एग्जैक्टली उसको सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नेल डॉजी बनने के बाद प्राइस विल गिव यू दी ब्रेकआउट और हिंट ऑफ 6 अपसाइड और डाउनसाइड कैंडल्स। अगर बुलिश ब्रेकआउट है तो 6 कैंडल्स ऊपर लेके जाएगा, अगर बेरिज ब्रेकआउट है तो प्राइस एटलीस्ट 6 कैंडल्स नीचे लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ब्रेकआउट बन चुका है इसमें, ब्रेकआउट के बाद नेल डॉजी है, एक मिनट नेल डॉजी किधर है, नेल डॉजी यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे, और वहां से एग्जैक्टली प्राइस ऊपर गया। ये अभी थोड़ा ये हो रहा है, फट रहा है अभी इसका पिक्सल्स, मैं आप लोगों को भेजूंगा यहाँ पे, ये 6 कैंडल, ये ब्रेकआउट हो रहा है, नेल डॉजी इज गिविंग यू द एग्जैक्ट ब्रेकआउट, कि नेल डॉजी से पहले प्राइस में आप लोग को हिंट मिल रहा है कि वहां पे ब्रेकआउट होने वाला है। सर इंट्राडे में कौन सा टाइम फ्रेम है देखने का नेल फाइव डॉजी? फाइव मिनट्स मैं कोई टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर रहा हूँ, 5 मिनट्स पे मैं अभी आने वाला हूँ उसके ऊपर। मैं पहले ये ओके आपको ये डेली में दिखा रहा हूँ, अपने सॉफ्टवेयर पे दिखा रहा हूँ कि नेल डॉजी का जो कोड है, हाउ इट इज हाँ एग्जैक्टली वर्किंग, और ये कैसे हमें प्रॉफिटेबल करके दे सकता है। और इसके लिए तो ये मैं अभी बहुत लोगों को ये सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि जो बंदे ट्रेडिंग एटलीस्ट नहीं कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट तो करें, एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं नेल डॉजी करेक्ट के करेक्ट। ऊपर। ठीक है, आगे कौन कौन गया है? अच्छा मैडम गए ले, ठीक ये ब्रेकआउट ऑन मनी फ्लो आप देखो,
यहाँ पे मनी फ्लो मैंने जैसे बताया कि मनी फ्लो पे ब्रेकआउट थोड़ा लेट आता है, नहीं मनी फ्लो पे ब्रेकआउट पहले आता है बिकॉज इन्वेस्टर्स पहले आते हैं और प्राइस हिंट देना शुरू करती है बाद में। ब्रेकआउट देखो यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे और मनी फ्लो का ब्रेकआउट यहाँ पे। पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग द So that प्राइस। means 3 days, three candles before it gives a यस, overall breakout, 3 to 4 candles before indication. चार से पांच कैंडल Interesting. पहले मनी फ्लो का ब्रेकआउट हमें मालूम पड़ता है कि वहां पे ब्रेकआउट होने वाला है। और हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ऐड करते हैं, मगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट गिव यू दी, चलो ठीक है हमें, मैं समझता हूँ कि उसमें ब्रेकआउट हुआ है, मगर मनी फ्लो ब्रेकआउट आपको सबसे पहले मालूम पड़ेगा, उसके बाद ट्रेंड लाइन मालूम पड़ेगा। ये देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे, मनी फ्लो का यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इधर है, ये मैंने थोड़ा गलती से इधर डाल दिया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इधर है, मनी फ्लो का इधर है, मनी फ्लो इधर है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे। कॉपी करते हुए थोड़ा टाइम लग गया। हाँ किरण क्या विचारतो है सर, एंट्री बद्दल सांगा एकदा, कोणती एंट्री विचारतो है किरण, एकदा अनम्यूट होऊन विचार। किरण गया लगता है, किरण है ही नहीं। है बट इज ऑन म्यूट. ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। तीन गोष्टी परत एक्सप्लेन करते हुए लक्षत गया, नेल डॉजी बॉटम पे मिलेगा, 6 कैंडल्स ऊपर बॉटम पे या ब्रेकआउट पे मिलेगा तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट है, हम लोग स्टॉक पे सॉफ्टवेयर पे देखने वाले, एक्सटेंड कर सकता हूँ तो कर दूंगा मैं एक्सटेंड, प्रॉब्लम नहीं है। DMA 15 सपोर्ट लाइन एज वेल एज मोमेंटम लाइन, 15 DMA डिस्प्लेस मूविंग एवरेज, और ये मनी फ्लो ब्रेकआउट। फिलहाल अगर कुछ अभी जो ट्रेडर्स है बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बरोबर ना, कंफ्यूज है कि नहीं सर, क्या करना है क्या नहीं करना है, हाँ पक्का, खास करके कंफ्यूज निफ्टी है करना क्या ऑप्शंस. एग्जैक्टली, तो सारी चीजें नहीं करेंगे हम लोग, बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं तो इसके वजह से ये जंबल हो चुका है कि बॉलिंजर बैंड यूज करें, ट्रेंड लाइन यूज करें, पैटर्न यूज करें, इंडिकेटर यूज करें, जिगजैग यूज करें, डाइवर्जेंस यूज करें, क्या यूज करें, हार्मोनिक्स यूज करना है, क्या यूज करना है। तो मेरे को सिर्फ एक ही सवाल है, एक ही बोलना है उन लोगों को कि तो भाई ज्यादा नहीं करना है, आपके बुक के ऊपर या फिर आपके डिस्प्ले के ऊपर कम से कम 3 या 4 चीजें सिर्फ लिख के रखो, उसी को फॉलो करना है, पूरा दिन भर ट्रेडिंग नहीं करना है, मतलब दिखा तो एंट्री लिया, दिखा तो एंट्री लिया, फंस जाएंगे ऐसे, और ऐसे फंस भी जाते हैं। हाँ वो सही सही बात है. तो हम लोग अभी एक ही काम करेंगे, मनी फ्लो ब्रेकआउट, नेल डॉजी एंड DMA 15, ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पर भी बताने वाला हूँ, बस आप लोगों को स्टॉक का नाम बताना है, मैं उसके ऊपर आपको दिखा दूंगा। अभी देखो ये देखो ये कॉम्बिनेशन बनाया, अभी देखो अभी मैंने ये ऑल इन वन जो 3 कैंडल्स, थ्री टॉपिक्स, तीन जो टॉपिक्स है उसको मैंने एक ही साथ कवर किया हुआ है। देखो यहाँ पे नेल डॉजी बना हुआ है, डॉजी एक्स, ठीक है, प्लस 15 मूविंग एवरेज का यहाँ पे है, सपोर्ट बन रहा है। सेकंड यहाँ पे मनी फ्लो का ब्रेक, मनी फ्लो का नहीं है यहाँ पे, मगर एग्जैक्टली आपको यहाँ पे 15 SMA का लाइन आपको यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। सेकंड नेल डॉजी भी यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर भी नेल डॉजी बना हुआ है, यहाँ पर भी नेल डॉजी बना हुआ है, ये आपको एक परफेक्ट लाइन एंट्री दे रहा है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो ये हिंट बना नेल डॉजी यहाँ पे कि ब्रेकआउट इज अबाउट टू अकर ऑन द चार्ट, और ये मैंने ऐसे ही नहीं कोई भी स्टॉक उठाया नहीं है, मैंने ICICI बैंक का स्टॉक लिया हुआ कि उसे मालूम पड़े कि भाई कम से कम एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में ये सारे बन रहे, इसका मतलब है कि ये स्टॉक, ये जो कोड है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसने टाइप टाइप करके भेजा है। हाँ नेल डॉजी क्रिएट झाल्यानंतर, नेल डॉजी क्रिएट करने के बाद बाय कहाँ करना है, यो सवाल पूछ रहा है, और ये सवाल मेरे को समझ में आ गया क्या है, मतलब ये क्यों क्या पूछ रहा है। एक्चुअली क्या है कि नेल डॉजी बनने के बाद प्राइस में यहाँ पर भी अभी बना हुआ, चलो मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ आप लोगों को, सॉफ्टवेयर पे ही दिखा देता हूँ मैं, कोई भी स्टॉक उठाओ, अभी ये मनी फ्लो जरा साइड में रखता हूँ टाइम के लिए, ये 15 डेज अपना है और ये अपना नेल डॉजी का
टेम्पलेट है, नेल डॉजी प्लस सिक्स कैंडल्स, अगर ब्रेकआउट है तो छह कैंडल्स गारंटेड मिलेंगे, ब्रेकआउट है तो, अदरवाइज भूल जाओ, नहीं तो बोलेंगे सर किधर भी मिलेगा क्या, नहीं ऐसा नहीं चाहिए, ब्रेकआउट से वहां पे ब्रेकआउट का हिंट आपको मिलेगा, ऐसे ऐसे बैंक सर नेल लॉजी फॉर ब्रिक ब्रिक ट्रेंड वो डालना पड़ता है क्या जो इंडिकेटर। ना, इंडिकेटर तो मैंने आप लोग को नेल डॉजी दिया हुआ है ना, एक ही दिया है ना हाँ आप, हाँ एक ही दिया है ना आपने। हाँ तो मैं आप लोग को भेजने वाला हूँ उसका, ऑलरेडी एक ओके रेडीमेड है मेरे पास। मेरे मेरे पास जो है आपने जो पहले दिया था नेल लॉजी फॉर बिग ट्रेंड एंड सिक्स कैंडल्स नेक्स्ट। यस, उसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, उसमें कोई इशू नहीं है, ओके मैं नया भेजने वाला हूँ आप लोगों को उसमें। ओके सी यहाँ पे नेल डॉजी बनाइए, देखो दिख रहा है, यहाँ पे नेल डॉजी बना हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। और यहाँ पे हमें हिंट मिल रहा है कि भाई समथिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन द चार्ट, हैपन। यस, और यहाँ पे देखेंगे तो वहां से बेरिश ब्रेकआउट है, अभी जिसको ट्रेड लेना है हाँ वो वो क्या ले सकता करेगा, है फुट कॉल ले लेगा। पुट कॉल ले लेगा, तो अभी हमें यही तो पता चला कि वहां से प्राइस नीचे भी आ रहा है, और जिसके हाँ पास मेटा स्टॉक है वो देख सकता है इसमें कि भाई अभी कौन सा ये चल रहा है, वेव कौन सा चल रहा है, डाउन साइड है कि अप करेक्ट। साइड है, तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नेल डॉजी बना हुआ है, ये डॉजी एक्स नाम से रहेगा शायद, ये वाला ये डॉजी एक्स है, ये अभी अभी मैंने सुबह में ही बनाया था ये डॉजी एक्स, जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है बाकी लोगों के अलावा, ये हमें परफेक्ट एग्जिट लाइन दे रहा है, एंट्री लाइन दे रहा है हमें, अगर स्टॉक में बाय किया हुआ है तो बता रहा है कि भाई बेच देना है इसको, रखना नहीं ओके ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे नेल डॉजी बना है और परफेक्ट एग्जिट लाइन है यहाँ पे, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं हमें, सेकंड यहाँ पे है ये देखो, वाओ क्या भागा ऊपर बॉटम लाइन है, सीधा बॉटम लाइन है, बॉटम। सेकंड ये, इसके बाद में यहाँ पे नेल डॉजी 1 2 3 वाला है, ये 1 2 3 वाला है, यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हुआ है, और जैसे बताया कि पहले तो हमें बॉटम मिला और उसके बाद जो मिला है वो हमें क्या मिला है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेंड ब्रेकआउट, तो लाइन ब्रेकआउट मिला ट्रेंड ये लाइन परफेक्ट ब्रेकआउट है वो नेल डॉजी परफेक्ट डे टू। परफेक्ट ब्रेकआउट है हमें, और कुछ नहीं करना है इसमें, देखो अभी और थोड़ा आगे जाता हूँ, ये देखो ये दिखाई दिया, नेल दिख रहा है आपको, नेल्स ऑन द चार्ट, ये देखो क्या दिख रहा है इसमें, शूटिंग स्टार पूरा फिनिश ब्रेकआउट है बेरिश ब्रेकआउट, बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, ये करेक्ट। ऑलरेडी हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, कहाँ पे, डॉजी एक्स नाम से एक जो बना हुआ है वो वाला ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पर भी बना हुआ है, सिक्स कैंडल्स, 1 2 3 3 कैंडल्स एटलीस्ट बने हुए इसमें, और इसमें डॉजी एक्स यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे हमें पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6, प्राइस एक्चुअली डाउन नहीं है इसमें, देखेंगे तो कितना पर प्राइस डाउन है इसमें, 828 से लेके प्राइस 780, 770 ऑलमोस्ट 50 रुपीज 50 रुपीज प्राइस डाउन है, तो फुट ये कॉल लेता था अच्छा होता था। तो एक्चुअली उसके लिए क्या है कि ये बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ एक मेरा फाइंडिंग ये क्रूड ऑयल के ऊपर से बना था, कि क्रूड ऑयल में आप देखेंगे तो क्या बना हुआ है, देखो नेल डॉजी कहाँ कहाँ पे बना है, किसको दिख रहा है क्या, नेल डॉजी इधर लेफ्ट हैंड फिर साइड में तो इसमें दिख रहा है ये 3 4 5 हिसाब है उसमें दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट बना हैंड हुआ है, साइड। ये देखो ये अच्छा दिस वन ओके यहाँ पे बना हुआ है नेल डॉजी, इसने परफेक्ट नेल डॉजी दिया था, और उसके बाद में क्रूड ऑयल में एक बेरिश ब्रेकआउट हुआ था, तो उस वक्त एक अच्छा खासा चांस था पैसा कमाने का,
वो एक लॉस्ट हुआ, उसके बाद में मैंने यहाँ पे नेल डॉज निकाला था, ये नेल डॉज दिख रहा है आपको, अपर वीक हाँ प्लस लोअर वीक, लोअर वीक था करेक्ट, तो ये यहाँ पर भी बना हुआ है। और यहाँ से अभी क्रूड ऑयल जो है 6500, 6600 तक जाके आया है, तो ये डेटा मैंने अपडेट नहीं किया। ओके okay. और कैलकुलेट करो 6 कैंडल्स, बाकी कुछ नहीं करना है। कैलकुलेटर में क्या करना है, 6 कैंडल्स। और कैंडल्स जो किरण का सवाल था कि सर एंट्री कहाँ पे लेना है, बस एंट्री एक ही काम करना है, ये हो गया आपका एंट्री, अबाउ 5900 एंड बिलो, ये रेसिस्टेंस ब्रेक है, 5903 रेसिस्टेंस ब्रेक है, मैंने यहाँ पे कॉल का एंट्री ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कॉल का एंट्री ले लिया और मैंने अपना कॉल छोड़ दिया। मैंने टारगेट भी निकाल के रखा था कि मेरा टारगेट था 6300 के आसपास पैटर्न वाइज, ओके और जब ब्रेकआउट हुआ तो क्रूड ऑयल 6% अप हुआ था डायरेक्टली 6400 के आसपास। तो ये नेल डॉजी का कमाल था कि भाई कम से कम 4 कैंडल तो आपको देखे जाएगा, मतलब 4 कैंडल्स अप 4 कैंडल्स डाउन। ओके अब ये देखो ये नेल डॉजी यहाँ पे कितने कैंडल्स है, आप काउंट करो, बताओ मुझे वन कितने टू कैंडल्स है। थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कैंडल्स डाउन 1 2 3 फाइव 4 5, ये अगर ये कैंडल्स इसको एक दो काउंट करते, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैंडल है ये 6% का हाँ डाउन हाँ साइड है ये, तो ये दो ओके एंड कैंडल के समान है ये, तो ये 6 कैंडल बिकम यहाँ से सिक्स डाउन हुआ था। ओके ये R&D का काम है, आपको थोड़ा उसमें वेव्स भी डालना पड़ेगा, बोथ साइड नहीं आपको जाना है, आपको बोथ साइड नहीं जाना है, आपको वन साइड ही जाना है, मगर उसके पहले आपको करना क्या है, ये देखना नेल है कि डॉजी निकालना भाई पड़ेगा एग्जैक्टली ट्रेंड किस तरफ है। अगर ट्रेंड बेरिश तरफ है तो फिर आपको बस आग बंद करना है, सॉफ्टवेयर में अपने निकालने के बाद, स्टॉक निकालने के बाद ट्रेंड विल डू इट्स वर्क, वो अपना काम खुद कर लेगा, वो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपना अपना काम खुद कर लेगा, मतलब जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अपना अपना काम खुद कर लेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके सर एक हेल्प चाहिए था, ये जो आपने कोड दिया था नेल डॉजी का उसमें 0 और 1 व्हाट डज इट डिपेक्ट, 1 2 3 नेल डॉजी कलर 0, नेल डॉजी 0 भी है और नेल डॉजी 1 है, 1 देखे तो मेरे पास सिर्फ एक ही सी डेटा दिखता है एक्चुअली सीमेंस का। देखो राजेश, ये सब हाँ मैंने टेस्टेड है, मैंने टेस्ट किया हुआ है, ओके और जो भी कुछ काम का है वो मैं आप लोग को दूंगा, अभी ये सब मेरा टेस्टेड है, और जो भी मेरा काम का है आप लोग के काम का वो मैं आप लोग को भेजने वाला हूँ, जो बिना काम का ठीक है है वो ठीक आपको कुछ काम का नहीं रहेगा, है तो यूजफुल है वो, यूजफुल मैं डेफिनेटली दूंगा आपको, इसमें कौन से दूंगा वो उसका मैं एक स्क्रीनशॉट एक फाइल बना के भेजता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक है सर ओके अभी नेल डॉजी समझ में आया शायद आप लोगों को, अभी इसका क्या सवाल है अभी। राइट हाँ नेल डॉजी सर ज्यादा है, एक काम करता मैंने गुजरात गैस देख लेता ना, गुजरात गैस, गुजरात गैस तो बढ़ने नहीं वाला है, अभी अभी तो गैस तो गिर गैस गया है बहुत ना, सर गुजरात गैस बॉलिंजर बॉटम में है, क्या नेल डॉजी बना हुआ बॉटम है में यहाँ पे, ठीक है ये देखो, किस पे, हाँ गुजरात नेल गैस डॉजी बन बन गया गया, है, हो गया ना सर, देखा अभी ऊपर नहीं, भागेगा ना यस यस, बॉटम अभी बीवी मेरे को बॉटम कम में है। से कम 515 तक जाएगा, 515 का ये लेवल आएगा, 515 या 485 टू 515 ये नेल लेवल आ डॉजी ने सकता अपना काम कर दिया है, अभी है। हाँ मैं तो सिर्फ एक ही लाइन ऑल लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं बोल अरे रहा हूँ कि भाई चलो अभी क्या करना है, 466 है 510 ना, हाँ हाँ वी बहुत कैन आगे गो था फॉर 10%। कॉल हम लोग उसको इलियट वे पे भी लगा सकते हैं, इलेट व्यू पे भी हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली अभी क्या प्राइस प्राइस में क्या एक्शन होने वाला है। इसमें लगा रहे हो मेटा स्टॉक पे हाँ मेटा स्टॉक पे वेव दे रहा हूँ मैं अभी आप लोग को, देखते हैं अभी वेव आ रहा है क्या। सर, वेव तो 1 का जो दिख रहा है वो 13 वेव है, 13 वेव का स्टार्ट है और इसका एक्सपर्ट एडवाइस चेक करता हूँ इनर।
It says fast 8 is bearish, moderate amplitude 13 is wave 2. ये वुल्फ को बता रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं भेजता हूँ उसका जो भी चार्ट है मैं आप लोग को भेज देता हूँ. आई होप आप लोग को समझ में आ रहेगा. ये सेशन में आज आपका एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन ट्रेडिंग यू कर लेता हूँ, ठीक है. ओके ओके.